तो है जैसा कि आपको पता होगा, न्यू ग्लेशियर एक्स सूट अभी गेम में आ रखा है, तो मेरे को क्रेट ओपनिंग तो नहीं करनी थी, क्योंकि यार अपनी किस्मत का मेरे को पता, अगर मैं करता भी तब भी अपने को नहीं निकलने वाला था। लेकिन कल जब मैंने अपना गेम ओपन किया, वहाँ पे मैंने अपना मेल चेक किया, तो यार वहाँ पे गौरव भाई की तरफ से कुछ तो अपने को गिफ्ट आ रखा था, तो यहाँ पे मैंने कलेक्ट करके देखा। तो यार यहाँ पे कलेक्ट करने के बाद अपने कुछ कार्ड सा मिला। अब यार ऐसा कुछ तो अपने को पहले कभी मिला नहीं था, तो मैंने भाई से पूछा कि अब यार इसका क्या करना है, तो भाई ने बोला कि इन्वेंट्री में जाके इसको एक बार ओपन करके देखो। और यार यहाँ पे जैसे ही मैंने ओपन किया, अपने को न्यू वाला एक सूट एकदम फ्री में मिल गया। तो यार ये वाला एक सूट अपने को गौरव भाई ने गिफ्ट करा, और इसके लिए अपना एक भी यूसी नहीं लगा। तो यार आप में से भी किसी एक को सेम ये वाला एक सूट गौरव भाई की तरफ से गिफ्ट मिलने वाला है, तो यार इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जाके गौरव भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सिर्फ आपको उनकी वीडियो में जाके अपनी BGMI ID कमेंट करनी है, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। तो यार जैसे भाई के चैनल पे 30K कंप्लीट होंगे, एक सूट का गिव अवे तो होने वाला है, उसके साथ में अच्छे खासे रॉयल पास का भी गिव अवे होने वाला है। तो यार इतना तो बनता भाई के लिए, तो जाके जल्दी से कंप्लीट करवाते हैं। और यार उनकी वीडियो में अपनी BGMI ID कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि आप में से किसी एक को एक सूट मिलने वाला है। तो गौरव भाई के चैनल का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, तो जल्दी से जाके अपनी BGMI ID कमेंट करके आओ। और यार यहाँ पे फाइनली अपने पास एक सूट नया वाला आ चुका है, और यार मतलब क्या ही चमक रहा है, और यार ग्लेशियर के साथ में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी यार अभी के लिए तो ये लेवल 1 है, तो अभी के लिए मैं सोच नहीं रहा हूँ इसको अपग्रेड करने का, कभी बाद में देखेंगे अपग्रेड करने के लिए। तो अभी यार फिलहाल चल लेते हैं आज के अपने गेम प्ले पे। तो अभी क्राउन 4 अपनी हो चुकी है, तो अभी ये लिए वाले गेम प्ले की बात कर लेते हैं। तो यार यहाँ पे जोन के मैच पे होल्ड कर रहा था, इसके बाद वाला जोन अभी शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ से अभी निकल लेते हैं जोन की साइड को। तो अभी यार इसके बाद मैं डायरेक्ट जोन के सेंटर वाले कंपाउंड्स पे आ जाता हूँ। अभी यार जैसे ही यहाँ पे आता हूँ, उतने में सामने वाली साइड से कोई बंदा एक थॉमसन SMG चला रहा था, तो पहले तो मेरे को लगा शायद से कोई बंदा बॉट फायर कर रहा है। उतने में यार सामने स्क्वाड हाउस से एक बंदा भी AWM चलाता है, तो अभी लेफ्ट साइड से मेरे को एक और डासिया का साउंड आता है, तो ये डासिया वाला बंदा भी जाके अभी स्क्वाड हाउस में रुक गया था। तो मेरे को लगा मे बी ये दोनों बंदों की फाइट होने वाली है, तो मैं यहाँ से आके नेट ट्राई कर सकता हूँ। लेकिन उतने में बाहर वाली साइड से एक और बग्गी का साउंड आता है। अब यार ये जो बग्गी वाला बंदा था, ये भी आके स्क्वाड हाउस में रुकता है। तो अभी यार यहाँ पे स्क्वाड हाउस में टोटल 3 बंदे अभी हो चुके थे। अब यार यहाँ पे सामने साइड पे एक बंदा किसी बॉट को मारता है। तो यार ये वाले बंदे को अच्छा खासा डैमेज तो पड़ा था, लेकिन बंदा लकीली अंदर की साइड निकल जाता है। अब यार यहाँ पे मेरे को बंदे का लेफ्ट साइड को भागने का साउंड आता है, तो मैं लेफ्ट साइड में नेट ट्राई करता हूँ, लेकिन यार बंदा बच जाता है। लेकिन उतने में अभी ग्राउंड फ्लोर में 2 बंदों की फाइट हो जाती है। तो यार यहाँ पे एक बंदे को तो फिनिश कर दिया, दूसरा वाला बंदा भी ऊपर अपने को स्पॉट हो गया था, तो अभी वहाँ पे नेड एक मैं ट्राई करता हूँ। तो यार ये वाला बंदा भी एकदम इजी नेड से फिनिश हो गया। फिलहाल के लिए वहाँ पे जाके मैं थोड़ी बहुत लूट कर लेता हूँ, और अभी के लिए जोन अपने ऊपर ही बन गया था। तो यहीं पे मैं फिलहाल होल्ड कर रहा था, उतने में राइट साइड में ओपन में एक मेरे को बंदा स्पॉट होता है। तो यार ये वाला बंदा वीजी फिनिश, उतने में पीछे वाली साइड से एक बंदा कोई K98 चला रहा था, तो ये बंदे को मैं स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन यार ये बंदा मेरे को सामने कहीं दिख नहीं रहा था। उतने में पीछे वाली साइड पे मेरी नज़र जाती है, तो भी पीछे एक और मेरे को बंदा आता हुआ दिखता है। तो यार ये वाला बंदा भी एकदम ईजी यहाँ पे फिनिश हो गया। फिलहाल के लिए मेरे को छोड़ के सिर्फ 2 ही बंदे और अलाइव थे, तो एक बंदा तो मेरे को पता था राइट साइड में कहीं पे K98 वाला है। तो यार यहाँ पे अपने चोमू भाई को भी एकदम इजी मार दिया। फिलहाल के लिए एक लास्ट बंदा लाइव था, तो अपने को भी जोन में निकलना था। अब यार यहाँ पे वो बंदा नीचे साइड से फायर करता था, मैं समझ गया था ये बंदा नीचे ही कहीं पे। तो यार ये वाले पत्थर पे मैं रुकने का सोच रहा था, लेकिन तभी वो वाला बंदा स्मोक कर देता है, तो यार मेरे को भी सही से लोकेशन का आइडिया था नहीं, तो एक बार मैं वापस ऊपर साइड से जाके वापस नीचे आता हूँ। तो यार ये बंदे को मैं गाड़ी से उड़ाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन उतने में ये बंदे ने अपने को काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, लेकिन लास्ट में जैसे जैसे फिनिश कर दिया। फिलहाल के लिए ये वाले गेम में अपने को 41 का प्लस मिला था। तो अभी यार फिलहाल चल लेते हैं आज के अपने सेकंड गेम प्ले पे। तो अभी के लिए अपने को यहाँ पे जोन के अंदर आना था। अब यार यहाँ पे जोन के अंदर मार्च हुआ, तो अभी सामने वाले स्नाइपर टावर पे मेरे को कोई और गाड़ी तो दिखी नहीं, तो मेरे को लगा मे भी खाली हो सकता, तो यहीं पर मैं जाने का भी ट्राई करता हूँ।
तो यार लकीली ये वाले स्नाइपर टावर में कोई भी बंदा नहीं था, तो अभी के लिए मैं यहीं पे होल्ड करता हूँ। और इसके बाद वाला जोन भी अपने ऊपर ही अभी बन चुका था। तो अभी यार यहाँ पे मेरा सामने वाली साइड पे ध्यान जाता है, तो मेरे को लगा शायद से कोई बंदा अपने सामने ओपन में लेट रखा है। तो यार ये वाला बंदा तो एकदम आराम से घास में लेट रखा था, लेकिन अब यार जो इसके बाद वाला जोन था, ये वाला जोन अपने थोड़ा नीचे वाली साइड को शिफ्ट हो जाता है। तो यार ये वाला एकदम ओपन जोन था, तो यहाँ पे मैं सोचा था कि जैसे ही जोन स्टार्ट होगा वैसे ही मैं भी जोन के अंदर निकलूंगा। अब यार यहाँ पे मैं गाड़ी उठा के जोन में निकलने वाला था, लेकिन उतने में अभी सामने वाली साइड से एक मेरे को बग्गी का साउंड आता है। तो यार ये वाले बंदे को काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दिया था, लेकिन बंदा बच के निकल जाता है। फिलहाल के लिए अपने को भी जोन में निकलना था, लेकिन यार यहाँ पे पता नहीं क्या ही ग्लिच हो रखा था, अपने को अपनी गाड़ी में बैठने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। अब यार यहाँ पे क्या होता है, इस बग्गी वाले बंदे को मैंने डैमेज दिया था, वो बंदा सामने रुका था, और इस बंदे को भी राइट साइड से कोई और बंदा फिनिश कर देता है। अब यार ये वाला बंदा मेरे नीचे साइड पे कहीं था, तो मैं सोचा यहाँ पे ज़्यादा देर होल्ड नहीं करता हूँ, डायरेक्ट अभी जोन के अंदर चलने का ट्राई करता हूँ। अब यार यहाँ पे अपनी अगर सही टाइम पे शील्ड नहीं लगती, तो यार ये बंदा अपनी पेटी बना देता, लेकिन अभी के लिए ये वाले बंदे को यहाँ पे फिनिश कर दिया। अब यार यहाँ पे मेरे को छोड़ के तीन बंदे और लाइव थे, तो एक बंदा तो सामने गाड़ी वाला था उसका मेरे को पता था, लेकिन बाकी के दो बंदों का सही से अभी कुछ आइडिया था नहीं। तो मेरे को लगा मे भी लेफ्ट साइड में अपने कोई बंदा हो सकता है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैं शील्ड अभी लगा लेता हूँ। लेकिन उतने में ऊपर कहीं पे राइट साइड में बंदों का फाइट होता है, तो अभी यार एक बंदा ऊपर कहीं पे था और एक बंदा सामने गाड़ी पे था। तो अभी यार सामने गाड़ी वाला बंदा अपने ऊपर मौली वगैरह करने का ट्राई तो कर रहा था, लेकिन वो काफ़ी दूर था, ज़्यादा कुछ वहाँ से कर नहीं सकता था। तो यार ये वाले बंदे का भी एकदम ईजी यहाँ पे स्नोमैन बना दिया। फिलहाल के लिए लास्ट वाला बंदा मेरे को पता था सामने वाली साइड कहीं पे जोन के बाहर ही अभी है। तो यार लास्ट वाला बंदा भी यहाँ पे एकदम इजी फिनिश हो गया। फिलहाल के लिए ये वाले गेम में अपने को 45 का प्लस मिल गया था। तो अभी यार चल लेते हैं आज के अपने लास्ट गेम पे। तो यार ये वाले गेम में काफ़ी टाइम बाद एक मेरे को अच्छा खासा लॉबी आया था, अभी तक भी यहाँ पे आप देख सकते हो 32 बंदे लाइव थे। तो यहाँ पे मैं जोन के सेंटर में ही होल्ड कर रहा था, उतने ही पीछे वाली साइड से एक मेरे को गाड़ी का साउंड आया, तो ये वाला बंदा भी पीछे रेड हाउस में रुका था, तो मेरे को लगा मे बी ये बंदा भी स्क्वाड हाउस में आने का ट्राई कर सकता है। तो भी यार यहाँ पे पीछे साइड से मेरे को नेट का साउंड आया, तो समझ गया वहाँ पे दो बंदों का फाइट चल रहा है। तो यार यहाँ पे एक बंदा भी शायद से नेट से फिनिश हो जाता है, तो दोनों बंदे शायद से रेड वाले हाउस में ही थे, क्योंकि स्क्वाड हाउस में तो कोई बंदा मेरे को स्पॉट हो नहीं रहा था। फिलहाल के लिए ये वाला जोन में क्लोजिंग होने का वेट कर रहा था, और लकीली इसके बाद वाला जोन भी अपने ऊपर ही बन जाता है। तो भी यार यहाँ पे अपने को ज़्यादा ओपन में बाहर जाने की जरूरत थी नहीं, अपने ऊपर जोन था तो अपने को सिर्फ यहाँ पे वेट करना था। फिलहाल अभी के लिए इसके बाद वाला जोन भी क्लोजिंग होना स्टार्ट हो चुका था। तो यार ये वाला जोन अभी थोड़ा हल्का सा राइट साइड को शिफ्ट होता है, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे जोन के अंदर ही था। लेकिन जो यार अपने पीछे साइड पे कंपाउंड से वो भी जोन के बाहर जा चुके हैं, तो मेरे को पता था अभी वहाँ से बंदे आने वाले हैं। अब यार ये बग्गी वाले बंदे भी मैंने पहले ही शॉट्स लिए थे, तो मेरे को लगा नहीं था ये बंदा अपनी साइड को रश कर सकता है, लेकिन यार ये बंदा यहाँ पे डायरेक्ट बग्गी लेके अपने वेयर हाउस के अंदर घुस जाता है। तो यार ये वाला बंदा तो फिलहाल के लिए इजी फिनिश हो गया, तो अभी के लिए ये बंदे की क्रेट से यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट मैं कर लेता हूँ। तो अभी यार यहाँ पे मेरे को पता था जोन के बाहर वाली साइड से और भी बंदे आने वाले हैं, और उतने में पीछे वाले कंपाउंड से मेरे को अभी एक और गाड़ी का साउंड आता है। तो यार ये वाले बंदे को तो एकदम इजी यहाँ पे गिरा दिया। फिलहाल अभी भी यहाँ पे मैं जोन के बाहर वाली साइड चेक कर रहा था कि यार बाहर वाली साइड से कोई बंदा ना आ रहा हो, लेकिन अभी यार यहाँ पे आगे जोन के बाहर वाली साइड से एक कोई बंदा M24 चलाता है। तो ये वाला बंदा भी सामने जोन के अंदर आ चुका, तो मैं सोचा यहाँ पे एक नेट ट्राई करता हूँ, लेकिन यार अपना नेट अभी गलती से अंदर ही गिर जाता है, और उतने में ये वाला बंदा अपनी साइड का एक और नेट फेंकता है।
अब यार यहाँ पे मैं एक और नेड करने ही वाला था, लेकिन उतने में राइट साइड से कोई एक बंदा अपने को अच्छा खासा डैमेज दे देता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अभी मैं हील कर लेता हूँ, लेकिन उतने को जो अपने बाहर वाली साइड पे एक बंदा था, इस बंदे को भी राइट साइड से कोई और बंदा फिनिश कर देता है। फिलहाल के लिए यहाँ पे जोन स्टार्ट होने वाला था और अपने को जोन में भी निकलना था। अब यार यहाँ पे सबसे पहले मैं जोन के बाहर वाली साइड चेक कर रहा था कि यार अपने पीछे से कोई बंदा ना आए, लेकिन उतने में लेफ्ट साइड में बंदों की फाइट हो जाती है। अब यार यहाँ पे इतना तो मेरे को पता था एक बंदा अपने लेफ्ट साइड में कहीं पे, और इसके बाद वाला जोन भी अभी हल्का सा लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाता है। तो मैं सोचा पहले जोन में जाने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि बाकी के दो बंदों की लोकेशन का मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो यार यहाँ पे जोन के अंदर मैं आ चुका था, लेकिन सामने की साइड पे स्मोक हो रखा था, तो इतना तो मैं समझ गया एक बंदा अपने सामने कहीं पे हो सकता है, लेकिन बाकी के दो बंदों का ज्यादा कुछ उतना मेरे को आइडिया था नहीं। तो यहाँ पे मैं जोन क्लोज होने का वेट कर रहा था। उतने में ऊपर राइट वाली साइड में दो बंदों की अभी फाइट हो जाती है। अब यार राइट वाले बंदे को मैंने डैमेज दे दिया था, लेकिन उतने में ऊपर साइड से दूसरा बंदा इस बंदे का फिनिश उठा लेता, और यार ये वाले बंदे ने अपने को भी अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, लेकिन लास्ट में बंदा फिनिश हो गया। बाकी यार ये मैच में काफी अच्छी खासी लॉबी थी, तो यहाँ पे अपने को 47 का प्लस मिल गया। बाकी अभी क्राउन 4 अपनी हो चुकी है, तो कल तक मैं ट्राई करूंगा एस लगाने की। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा सा अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर अगर आप नए हो तो यार सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।